तो बच्चों आज हम बात करेंगे गॉस प्रमेय पर। गॉस प्रमेय में आगे बढ़ने से पहले हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक नॉन यूनिफॉर्म एक असमान सरफेस ली है, यानी यहाँ पर एक पृष्ठ लिया है और इस पृष्ठ का हमें निश्चित आकार पता नहीं है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म जो पृष्ठ है उस पर से अगर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि वहां से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो उसके लिए जो गॉस है उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जो गॉस प्रमेय के नाम से प्रचलित है। तो गॉस का जो प्रमेय है वो ये कहता है कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में जो कुल आवेश होता है, वो जो आवेश होता है वो उस माध्यम की जो परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता होती है, उसके साथ जो संबंध यहाँ पर बताता है वो हमें ये बताता है कि वो उसका मान फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है, यानी उस सरफेस में कुल मौजूद आवेश वो ये संबंध हमें दिखाता है। तो यहाँ पर जो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है उसको हम यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक हमारे पास कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ का जो क्लोन है उसका जो गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, वो इस तरह से दिखेगा। तो इसको भी हम जानते हैं, पहले भी हमने जैसे आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ के लिए जो सॉलिड एंगल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जो है हम वहां पर एक काल्पनिक सतह मानेंगे, उस सतह पर हमने एक यूनिट वेक्टर से उसकी डायरेक्शन बताई थी, उसका जो एरिया था उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था, उस वेक्टर और उस क्षेत्रफल के बीच का अगर हमने एक कोण वहां पर दिखाया तो उसका वैल्यू भी हमने निकाला था कि उसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में क्या होता है, फ्लक्स जो निकाला था वो था फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो डी ए कॉस थीटा है वो जो पृष्ठ हमारा यहाँ पर है उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने उसको दिखाया है, इसलिए वो जो कंपोनेंट था वो डी ए कॉस थीटा था। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है और इसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पर जो हम मान दिखा रहे हैं वो डी ओमेगा का मान आपको पता है डी ए बाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमने दिखाया है उसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर एन के साथ दिखाई हुई है, और जो एलिमेंट है यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट वो डी ए एलिमेंट यानी उस क्षेत्रफल का वो एलिमेंट है जहां से हम ये दिखा रहे हैं कि कितना विद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो उस एलिमेंट से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उसका हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, और वो सरफेस इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लक्स, और उसी फ्लक्स को डिफाइन किया फिर गॉस ने अपने प्रमेय के हिसाब से। और उसका जो सिद्धांत है वो हमें यहाँ पर ये बताता है कि किसी भी काल्पनिक सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आओ अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से जो है किसी गॉसियन पृष्ठ के लिए वहां पर हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी सरफेस के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका जो जो वैल्यू हमें पता है वो उस सरफेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस पर विद्युत क्षेत्र का हम स्केलर गुणा कर दें अगर, यानी ई डॉट डी ए कर दें, तो वो फ्लक्स के मान के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले का हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी इनक्लोज सरफेस में जो टोटल आवेश होंगे उन आवेशों पर जो भी उस पृष्ठ से होकर गुजरेंगे वही वहां पर विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है उस पृष्ठ में जो इनक्लोज्ड टोटल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक
पृष्ठ ले लेते हैं और उस पृष्ठ को जो हमने यहाँ पर लिया है, मान लेते हैं कि इस पृष्ठ को हम कोई नॉन यूनिफॉर्म सरफेस मान लेते हैं और यहाँ पर कुछ आवेश इनक्लोज्ड हैं। तो जो भी आवेश इस सरफेस पे इनक्लोज्ड होंगे, उन आवेशों के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे कि इन कितना फ्लक्स होगा, यानी उनका कितना डेंसिटी होगा इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेशों का। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस इंटीग्रल है इस एरिया का, वो फ्लक्स होगा। और उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई काल्पनिक एक गॉसियन पृष्ठ है। तो गॉसियन पृष्ठ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर वही जैसे कि हमने पीछे किया है कि हमने यहाँ पर एक कोई सरफेस बना ली और उस सरफेस पे हमने कोई वेक्टर इंडिकेट कर दिया, है ना, और उस वेक्टर को हम एन वेक्टर से दिखा देंगे और उसी पर हमने एक सरफेस जो है वो दिखाई है डीए, और उस डीए सरफेस का जो वेक्टर है वो हमारा यूनिट वेक्टर एन से प्रदर्शित किया गया है। और मान लीजिए कि वो सेंटर से, सरफेस के सेंटर से आर दूरी पर है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर जो है वो उसका जो सॉलिड एंगल है वो डी ओमेगा है। मान लीजिए उस सरफेस में जो है जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, और वो सेंटर से हमने एक इमेजिनरी सरफेस को हमने सेंटर का नाम ओ दे दिया, और ओ से लेकर हम सरफेस डी ए तक जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वहाँ से निकल रहा है उसको ज्ञात कर रहे हैं। तो वो जो पी पॉइंट से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल सरफेस एरिया के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास जो है क्या दिखाएगी कि वहाँ से होकर गुजरने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो उसका मान हमें वहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो ई डी ए जो कॉस थीटा होगा वो वहाँ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ई डी ए कॉस थीटा का मतलब है कि सरफेस इंटीग्रल जो हमने लिया है वो डी ए सरफेस पे लिया है, जो ई के जो है हमने क्या लिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये हम जानते हैं, उसी वैल्यू को हमने इस सरफेस पर यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर जो है ये हमें इस काल्पनिक पृष्ठ पर ये ज्ञात करने में मदद करेगा कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान है वो इस एरिया पर जो भी इस स्पेस की परमिटिविटी होगी, विद्युतशीलता होगी, उसके क्या होगा 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। तो किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह पर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फाई बराबर Q/ε0। तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर, इसी स्टेटमेंट को हम जो है वेरीफाई कर लेंगे आगे। और जैसे कि हमें पहले भी पता है कि इस पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला फ्लक्स है, इस एलिमेंट से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका जो वैल्यू है वो हम ज्ञात कर लेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी सरफेस इंटीग्रल पे ई वेक्टर का हम अदिश गुणा कर लेंगे और उसको क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। तो पूरी बंद पृष्ठ के लिए जो भी फ्लक्स यहाँ से गुजरने वाला है वो Q/ε के बराबर आएगा, या Q/ε0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम मान लेते हैं कि एक सरफेस से होकर गुजरने वाला जो पृष्ठ यहाँ पर है, यहाँ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, और E के साथ जो है सरफेस dA जो है वो कितना डी फाई वहाँ से निकालता है, यानी कितना वहाँ से चार्ज डेंसिटी वहाँ से होकर गुजरती है। तो जो हम मोटा मोटा समझते हैं वो यही है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो ई डॉट डी ए के बराबर होती है, और इसी को हम यहाँ पर गॉस थ्योरम की मदद से डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेटमेंट हैं कि जो गॉस थ्योरम है वो बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसे कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम था, यानी गॉस का नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का यहाँ पर पालन करेगा। इसी तरह से गॉस का जो नियम है वो निर्वात एवं किसी भी माध्यम के लिए बिल्कुल वैसे ही लागू होगा जैसे कि कूलाम का नियम लागू होता था, या हमने पहले जो विद्युत क्षेत्र निकाला है उस को निकालने के जो हमारे पास सूत्र थे उनके लिए भी ये कार्य करेगा, उसी तरह से ये यहाँ पर लागू होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ लिया है, एक काल्पनिक सतह ली है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर अलग अलग आवेश यहाँ पर रखे जाएंगे,
तो यहाँ पर कुल आवेश जो भी होंगे, प्लस माइनस जितने भी आवेश यहाँ पर होंगे, तो उन सब का हम यहाँ पर एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो टोटल आवेश हो जाएगा सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस वन, यानी यहाँ पर जितने भी आवेश होंगे उन सब का बीजगणितीय योग होगा। तो ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि ये जो है चार्ज का लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन भी यही कहता है। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश होंगे उन आवेशों का हम बीजीय योग करेंगे, उनका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। इसी तरह से यदि आवेश पृष्ठ बंद के बाहर है तो पृष्ठ के भीतर जाने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक लेंगे, यानी अगर इसकी डायरेक्शन हम इनवर्ड दिखाएंगे तो वो ऋणात्मक होगा, और जो बाहर की ओर जाएगा वो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो यहाँ से होकर गुजरने वाला जो भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जब ये बाहर की ओर होंगे तो उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब ये इनवर्ड होगा, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, ये अंदर की ओर ले रहे हैं, तो अंदर पृष्ठ की ओर आने पर यानी भीतर जाने वाला जो भी फ्लक्स होगा उसका जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से यानी फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि आउटवर्ड पॉजिटिव इनवर्ड नेगेटिव ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सरफेस पे, तो जो फ्लक्स है वो ई डॉट डी ए यानी ई डी ए का यहाँ पर क्या है, अदिश गुणनफल है, जो क्या बताएगा, इस एलिमेंट से होकर गुजरने वाला डी फाई मतलब फ्लक्स। तो एलिमेंट से होकर गुजरने वाला फ्लक्स को डी फाई दिखाया, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, कि किसी भी बिंदु से जो है अगर r दूरी पे या p पॉइंट पर कोई आवेश रखा है, तो वहां पर जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो अगर अगर हम इसको पॉइंट चार्ज मान लें, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे डी फाई बराबर ई डॉट डी ए ज्ञात करने में। तो ई डॉट डी ए की जो वैल्यू है वो हम ई का मान यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। तो डी फाई बराबर क्या हो गया, हमने ई का वैल्यू रख दिया, तो ये हमारे पास हो गया क्यू अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर हमने ई डॉट डी ए को जो है वो खोल दिया, तो ई डॉट डी ए यानी जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता था, तो ये हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो ई की तो वैल्यू रख दी हमने, और हमारे पास जो कॉस थीटा वैक्टर है वो वैक्टर यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर न्यूनतम मान के लिए भी हम निकाल सकते हैं, या हमें ये भी पता है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा सॉलिड एंगल होता है। तो जो यहाँ पर सॉलिड एंगल है उसका जो वैल्यू है वो ये हमारे को पता है, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, ये हमारे पास 4π आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 4π आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमने आर स्क्वायर कर दिया, तो वो डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π आ गया। यानी टोटल यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होगा वो 4π होगा पूरी सरफेस के लिए, किसी भी सॉलिड सरफेस के लिए, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल यहाँ पर ज्ञात करेंगे वो कितना हो जाएगा, 4π। तो इसकी मदद हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो हम ज्ञात कर लेंगे, वो डी ओमेगा होगी, और डी ओमेगा जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्या होगी, 4π। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू 5, यानी हमें यहाँ पर 5 की वैल्यू मिल जाएगी। और उसका फिर हम क्या कर लेंगे, क्लोज इंट्रीगल। क्लोज इंट्रीगल का मतलब है इस पूरे पृष्ठ के लिए हम उसका पृष्ठीय समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो क्यू अपॉन 4πε0 और इंट्रीगल ऑफ डी ओमेगा, यानी हमने यहाँ पर जो वैल्यू रख दी है वो डी ओमेगा रख दी है। तो ये क्योंकि इसका मान कितना होता है, 4π होता है, तो उस वैल्यू को हमने यूज कर लिया,
तो ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी सरफेस के लिए जो हमारे पास फ्लक्स आया वो कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो स्टेटमेंट है वो गॉस स्टेटमेंट है, और जो यहाँ पर हमें कहता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम यहाँ पर कूलाम के लॉ से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कूलाम के लॉ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला, यानी हम यहाँ से कूलाम का लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो हमारे पास फाई आया वो कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है वहां पर हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है, तो जो आवेश वहां पर मौजूद है उसके हिसाब से वहां पे फोर्स कितना होगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब हमें पता है कि जो एफ है वो कितना होता है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू 4πε0r2, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे या हम इस ई का मान जो हमने निकाला है इस मान को अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास जो एफ है वो इतना ही आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q0Q/r2। तो जो प्रमेय हमने पढ़ा है, गॉस के जो नियम हमने पढ़े हैं उनके कुछ अप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, यानी गॉस के क्या अनुप्रयोग हैं। तो अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में से हम सबसे पहले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई की एक छड़ है या एक कोई तार है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि किसी एक आवेशित सीधे तार या किसी लंबाई के किसी छड़ की जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है अननोन है, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस दिखाई है और उस सरफेस को जो है हमने यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि उस सरफेस पे हमारा कितना आवेश होगा, एक काल्पनिक सतह है, और उस सतह पर जो है हम ज्ञात कर लेंगे उस छड़ के या उस रॉड के या उस तार के जो इस अनंत लंबाई का है उसके कारण कितना उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या उसके निकट कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर हमने जो डॉटेड लाइन दिखाई है, एक सिलेंड्रिकल शेप दिखाया है, वो इस रॉड के लिए एक गॉसियन सरफेस है, यानी उसके निकट का जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग सिलेंड्रिकल एरिया का जैसे होगा। तो जो सिलेंड्रिकल एरिया हमने यहाँ पे दिखाया है वो इस छड़ के लिए या इस रॉड के लिए या इस अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए गॉसियन पृष्ठ का काम करेगा। तो इसको हमने जैसे इमेजिन किया है कि मान लीजिए ये समान रूप से ये जो छड़ है वो आवेशित है, धनावेशित छड़ है, और उसके कारण वहां पर जो है एक काल्पनिक सिलेंडर बन गया। उस सिलेंडर की लंबाई मान लीजिए एल है और उसकी त्रिज्या आर है, और उस रॉड के कारण जो गॉसियन पृष्ठ है उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ वो ई है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड है, और उसके लिए एक एलिमेंट एरिया हमने ले लिया डीए। उस गॉसियन सरफेस पर हमने जो स्मॉल एरिया लिया है डीए, उस एरिया के कारण वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम उसको कैलकुलेट करने के बाद उसका सरफेस इंटीग्रल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम निकल जाएगा फ्लक्स, और उसी फ्लक्स की मदद से हम बता देंगे कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर डीए और ई दोनों को हमने आउटवर्ड दिखाया है और दोनों एक दूसरे के अलोंग चल रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सरफेस पे अगर हम देखें तो डीए और ई यहाँ पर हमने दिखाया है दोनों एक दूसरे के किसी एरिया वेक्टर से उसको दिखाया है, ई के वो लंबवत दिखाया है, और नीचे जो हमने सरफेस पे दिखाया है वहाँ पर वो पैरेलल दिखाया है। तो किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि कितना वहाँ पर फ्लक्स होगा। तो इस इमेजिनरी सरफेस पर हमें
जो फ्लक्स ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें पता करना है कि वहां पर रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा। तो जो रेखीय आवेश घनत्व तो होता है वो सीधा उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, उस सरफेस पे मौजूद आवेश और डिवाइडेड बाई उस रॉड की लंबाई, यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश मौजूद है वो रेखीय आवेश घनत्व तो होगा। ठीक है, तो किसी लंबाई पर जो कुल आवेश होंगे उसका जो रेशियो होगा वो रेखीय आवेश घनत्व होगा, जिसको हम यहाँ पर लैम्डा से दिखा रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, क्यू बटे एल। तो अब यहाँ पर जो डी फाई होगा वो कितना हो जाएगा, ई डी ए, और ई डॉट डी ए का मान हो जाएगा ई डी कॉस थीटा, या ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस जीरो रखेंगे तो ये हो गया ई डी ए। ठीक है, डीए का मतलब वहां पर स्मॉल एलिमेंट का एरिया है। तो गॉसियन फ्रिस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको अगर हम फाई से यहाँ पर बताएं तो फाई का जो मान होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस ई डीए इज इक्वल टू ई इंटीग्रल ऑफ डीए। तो डीए का मतलब है पूरी सरफेस के लिए ले लेंगे, तो पूरी सरफेस का जो एरिया होगा वो उस सिलेंडर का, वो जो सिलेंडर वहां पर हमने इमेजिन किया है, ये जो सिलेंडर यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस सिलेंडर का यहाँ पर जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो किसी भी सिलेंडर के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है क्यों, उसकी लंबाई एल है और उसका जो यहाँ पर जो दूरी है या उसकी जो त्रिज्या है वो आर है। तो ये जो सिलेंडर, काल्पनिक सिलेंडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस सिलेंडर के लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर एल। कैसे, क्योंकि हमने एक पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और उसका इंटीग्रल कर दिया, तो पूरे का निकल जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब हमें क्या पता चल गया इसका, हमें पता चल गया उसका एरिया यानी सरफेस एरिया। तो इस रॉड के आसपास जो गॉसियन पृष्ठ बना है उस गॉसियन पृष्ठ का हमें क्या पता चल गया, एरिया। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस एरिया यानी इस पूरी सरफेस के लिए इस एलिमेंट का अगर हम क्या कर लें, इंटीग्रल कर लें, तो वो क्या हो जाएगा वहां पर, इंटीग्रल ऑफ डीए, और उसका मान हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो इस वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है तो अब हम इस मान को यूज कर सकते हैं अपने इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास यहाँ पर किसी भी क्षेत्र से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको कह दिया यहाँ पर अभी कि समतल के सिरों से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। कैसे, हेड, यानी ये हेड है, ये हेड है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी डी ए और ई यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट डी ए का मान वहां पर जो है 90 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स जीरो होगा हेड पे, यानी इस पृष्ठ के जो आपके हेड है, गॉसियन पृष्ठ के जो हेड है यहाँ पर, उनके लिए फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो सिर्फ फ्लक्स हमारे पास जो बचेगा वो कहाँ बचेगा, सिर्फ सतह के पैरल जो वेक्टर जा रहे होंगे वहां पे बचेगा। तो जो फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया, ई 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल का मतलब है इस सतह से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है सिर्फ वो हमारे पास रहेगा, यहाँ और यहाँ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फाई होता है वो क्या होता है, गॉस के प्रमेय के हिसाब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फाई का वैल्यू रख दिया तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो क्यू हमें पता है, क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया रेखीय आवेश घनत्व के मदद से। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो गया लैम्डा एल, और लैम्डा एल और फ्लक्स जो है हमारे पास दोनों नोन वैल्यूज हो गई। इन दोनों वैल्यूज को हम यूज कर लेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करते हुए लिखेंगे तो हमारे पास ई और ए की जगह हो गया हमारा कितना, 2 पाई आर एल, और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू फ्लक्स की थी, फ्लक्स की जगह क्या हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकाल लेंगे, ई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई यहाँ पर कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दूरी है उसके लिए निकाल ले, एल और एल यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो जैसे वहां आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ का जो इस रॉड का या इस
जो हमने गॉसियन सरफेस पर जो आसपास हमने जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया उसका जो वैल्यू होगा, ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर।